टीकमगढ़ शहर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाई जाने वाली योजनाओं के संदर्भ में पदाधिकारियों द्वारा पत्रकारों से एक विशेष चर्चा की गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस जैसी महामारी से किस प्रकार देश को निजात मिल सके, इसके संबंध में पत्रकार से चर्चा की गई। साथ ही दूरदराज से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की योजना के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित नूना, विधायक राकेश गिरी, अभिषेक खरे सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सुरेश प्रभाकर, संवाददाता। वो ऐतिहासिक नहीं बल्कि इस देश को विश्व के पटल पर एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। हम सबसे पहले देखें सामाजिक स्तर पर जो हमारी मुस्लिम बहनें जिनको मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता था, ऐसे ट्रिपल तलाक का दंश झेल रही उन बहनों के लिए उस तलाक ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक का प्रतिबंध करने का कानून ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में लागू हुआ। ठीक उसके बाद आज की जो बैठक रखी किस्मत विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय और अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ये द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज की पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। विगत एक वर्ष में इस देश के विकास के लिए, इस देश को सुरक्षित करने के लिए उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, चाहे वो सीए का कानून हो, भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना हो, ट्रिपल तलाक को बैन करने की बात हो, जम्मू कश्मीर से 370 और 35 एक हटाने की बात हो, ऐसे कई निर्णय, 20 लाख करोड़ के पैकेज देने की बात हो, ऐसे जितने ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय मोदी जी के द्वारा इस देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, इस देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए किए गए, इसको लेकर हम जनता में जाने वाले हैं, उसी का एक चरण यह पत्रकार वार्ता थी, इसके लिए ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। चूँकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, अभी हमारी सरकार ने एक योजना दी थी कि ऐसे जो नाले हैं जिससे जल भराव होता है शहर में, और इनका चिन्हांकन किया जाए, नगर पालिका द्वारा इनका चिन्हांकन किया जा रहा है, तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ऐसे मजरे टोले जो छूट गए हैं उनकी रोडों के लिए भी टेंडर लगाने का काम किया जा रहा है, हर घर में पानी हो, हर गाँव में नल जल योजना है, जहाँ की नल जल योजनाएँ हैं, चूँकि नल जल योजनाएँ 5 वर्ष पहले बनी थी, उसके बाद गांव की आबादी बढ़ गई, वहां पानी नहीं है, तो उसके लिए आगे बढ़ाने का काम, सेकंड फेज का काम हर गांव में किया जा रहा है। अनंतपुरा और तखा में भी पानी का मुख्यमंत्री उसमें स्वीकृति हो गई है, जहां टंकी का निर्माण किया जाएगा। तो आने वाले समय में जन भावनाओं के हिसाब से जहां जो विकास, रोड, लाइट, पानी, बिजली, जहां भी कमी है उसका काम हमारी सरकार करेगी।